अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिन से इतना मसरूफ़ थी कि अपनी स्किन केयर को भूल ही गई थी। स्किन को करीब से देखा तो डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और स्किन डैमेज लगी, तो सोचा क्यों ना कोई फेशियल ट्राई किया जाए। तो बस ये सोचा तो अब मैंने ऑर्डर कर दिया BNB की राइस की। इसके इतने रिव्यूज़ देखकर मैं इसको लगाने के लिए पागल ही हो रही थी। इतने सुबह ही सुबह आज मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना आज ही सब काम छोड़कर आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करूँ। तो आप लोग के सामने मैंने इसके इस पार्सल की अनबॉक्सिंग करी और आप लोगों को दिखाने लगी कि ये कितनी अच्छी पैकिंग में मुझे रिसीव हुआ है। ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। बैक पे इसके कंप्लीट बेनिफिट्स लिखे गए हैं कि इसकी इसको लगाने से आप क्या क्या आपकी फेस पर ग्लोइंग हो सकती है। तो मैंने पैक खोला तो सबसे पहले मुझे ये पाउडर की तरह से एक पैकेट रिसीव हुआ। इसके अंदर आई थिंक राइस का पाउडर होगा या क्या था, और इसके अंदर ये मैं नहीं जानती, वो आगे आगे मैं चलकर आपको इसके बारे में बताती जाऊँगी। ये राइस स्क्रब मुझे रिसीव हुआ और एक राइस का फेस वॉश। तो ये कंप्लीट तीन चीज़ों पे डिपेंडिंग एक किट थी। तो मैंने सबसे पहले ये फेस वॉश की किट ओपन करा और देखा ये अंदर से सील थी ताकि इसमें कोई भी जम्स वगैरह ना जाए। तो मैंने इसको ओपन करा सील को, ये ओपन हो नहीं रही थी। फिर मैंने बड़ी जान लगा कि इसको ओपन कर दिया और उसके बाद इसकी फ्रेग्रेंस को फील किया, तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी थी और ऐसा फ्रेश फील हो रहा था बंदा कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त मुझे इसकी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने सोचा कि ना फटाफट से अब इसको ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने इसको फटाफट से सबसे पहले फेस वॉश इसका अपने हाथों पे निकाला और फिर मैंने इसको फेस पे अप्लाई किया। ये मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी निकाल ली थी तो मुझे बाद में फ़ील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मैंने निकाल लिया है। और जब मैं इसको फेस पे अपने लगा रही थी तो इतना स्मूथली ये फेस पे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे फ्रेश फील हो रहा था और इसको लगाने से बहुत ही सॉफ्टनेस सी फील हो रही थी। और यहाँ पे मैं आपको इसकी फेस वॉश की खासियत बताती चलूँ तो ये ऑर्गेनिक सोर्स पर डिपेंड है और ये डर्मेटोलॉजी से टेस्टेड है और इसमें जो है इसे हेल्प करता है आपको लाइटनिंग स्किन के लिए, ब्राइट दी स्किन के लिए, प्रिवेंट स्किन एजिंग, इम्प्रूव दी स्किन टेक्स्चर, मतलब स्किन का टेक्स्चर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। और ये डीप क्लेंजर है, आप इसको मेकअप करने के बाद भी, मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरी स्किन वॉश, इसको वॉश करने के बाद स्किन इतनी ब्राइट हो गई थी तो मैंने कहा चलो फर्स्ट स्टेप तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पे फेस पे सूट किया। और सबसे बढ़कर इसमें नायासिनामाइड है जो कि फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैंने इसका स्क्रब निकाला, BNB का राइस का स्क्रब, और ये भी ऐसे ही सील था तो मैंने इसको ओपन किया। तो ओपन करते ही इतनी मस्त सी फीलिंग आई क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस तो फेस वॉश से भी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो यहाँ पर मैंने स्क्रब निकाला और इसकी क्वान्टिटी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, इसकी क्वांटिटी भी मुझसे ज़्यादा ही निकल गई थी। तो इसके टेक्सचर की अगर मैं बात करूँ तो इसका टेक्सचर मैं बिल्कुल एक दाने दाने से बारीक बारीक से थे जो कि आपके स्किन के पोर्स को कम्प्लीटली क्लियर कर देते हैं और इसको लगाने से आपकी स्किन इतनी ब्राइट हो जाती है कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये स्किन लाइटनिंग स्किन के लिए, इम्प्रूव स्किन टेक्स्चर के लिए, प्रिवेंट स्किन एजिंग के लिए, ब्राइटनिंग द स्किन और रिमूव डेड स्किन सेल्स जो कि आपकी स्किन को डेड कर देते हैं, मतलब आपकी स्किन सेल्स जो कि आपकी, जिसकी वजह से स्किन इतनी डैमेज हो रही होती है और इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। तो इसके अंदर इस तरीके से ऐसे स्क्रब के पार्टिकल्स हैं और इतने बारीक पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी स्किन को सही से मसाज कर देते हैं और सारी जिससे आपकी सारी डेड स्किन्स रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फेशियल के स्टेप्स को लेते हुए इसको कम्प्लीटली अपने फेस पे सही से इसका मसाज किया क्योंकि स्क्रब तो मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन्स हो रही थी और बहुत ज़्यादा फेस ड्राई हो रहा था। और जब मैंने इसको लगाने के बाद इसको सुकून से अप्लाई करने के बाद इसको वॉश करा तो मुझे इसके भी रिज़ल्ट इतने अमेजिंग लगे। यहाँ पर मैं आपसे लाइव जो है रिव्यूज़ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि कोई वो ना रहे आप लोग को डाउट के मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ क्या नहीं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। तो मेरी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह थे इससे लाइट हो रहे थे। आप कहेंगे कि फर्स्ट टाइम पर करने पर ही ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा था। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन ब्राइट भी कर रही थी और बहुत ज़्यादा स्मूथ भी हो रही थी। उसके बाद मेरा लास्ट स्टेप बचा था जो कि ये पाउडर शेप में था। आई थिंक ये राइस का पाउडर था और या फिर पाउडर के अंदर इन्होंने कुछ डाला हो या नहीं डाला मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी राइस के साथ इन्होंने मुल्तानी मिट्टी भी का भी पाउडर इसमें ऐड किया है, बट आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक 1 स्पून निकाला और अगर आप की स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको दूध के साथ ऐड करके यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको रोज़ वाटर में भी ऐड करके लगा सकते हैं। और इस पर बाकायदा लिखा गया था कि आप इसको यूज़ करने के बाद सही से दोबारा से
सील कर दें ताकि ये पाउडर जो है ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्पून जब निकाले उसके साथ अपने फेस के मुताबिक मैंने इसमें मिल्क ऐड किया ताकि मेरे स्किन जो है स्मूथ रहे। तो उसके बाद मैंने इसको सही से मिक्स किया। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि पाउडर इधर उधर उड़े जा रहा था, तो इसको मैंने सही से मिक्स किया। स्पून से मिक्स नहीं हुआ, फिर मैंने ब्रश निकाला और इसको सही तरीके से बिल्कुल इसका एक पेस्ट बना लिया और उसके बाद जो है फेस पे अप्लाई किया। फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं अगर आपको इसकी तासीर बताऊं तो ये इतनी ठंडक दे रहा था फेस पर और बहुत ज़्यादा मज़े की इसकी फ्रेगरेंस थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें रोज़ के भी कुछ पार्टिकल्स ऐड किए गए जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़बरदस्त हैं। तो ये मैंने इतने ज़्यादा इसके टेक्स्चर को मिक्स कर लिया था ताकि स्किन पे इसको स्मूथली लगा सकूँ। और अब देख सकते हैं मैं कितनी ईजीली इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इन्होंने जो है बताया गया इसमें और एजा सेटिव पाउडर, ग्लिसरीन्स, क्लोबरा रूट, रूट एक्सट्रैक्ट, आलमंड ऑयल जो कि फेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ग्रेप सीड्स, जोजोबा ऑयल, विटामिन सी और बहुत से ऐसे ऑयल्स डाले गए जो कि हमारे फेस को ब्राइट करते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें नायासिनेमाइड भी मौजूद है, मतलब इनके तीनों प्रोडक्ट्स में नायासिनेमाइड लाजमी मौजूद है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो और दूसरी बात, इसको बताया गया कि इसकी वर्क्स ऑन साइन ऑफ एजिंग, ग्लो एंड वाइटिंग, टाइटिंग पोर्स, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी, रिमूव डेड स्किन सेल्स। तो ये भी कंप्लीट इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो कि फेस वॉश और स्क्रब इसके लिए था। यहाँ पे मैं आपको लाइव जो है फेस पर से इसका मास्क जो है हटाते हुए दिखा रही हूँ और इससे मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाई थी कि ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोगों ने भी अब तक बाय नहीं किया है तो इसको बाय करें क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्ट थी जिसको मैंने आप लोगों के साथ इसका रिव्यू लाजमी शेयर करना सोचा। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और इसके इतने ज़्यादा रिव्यूज़ थे तो मैं भी इसको मंगवाने पे मजबूर हो गई थी और मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं मैंने ये सब ठीक करा है या नहीं, क्योंकि इसके जो चार्जेस थे वो 3500 आई थिंक या फिर 4000 के करीब थे, मुझे एक्जैक्ट नहीं याद आ रहा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ लाइव रिव्यू शेयर कर रही हूँ, आप लोग को बताइएगा कि आप लोग भी अगर आप लोगों ने ये अब तक यूज़ नहीं किया तो ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि इसका फेस वॉश भी बहुत ज़बरदस्त है, स्क्रब भी और इसका मास्क भी बहुत 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 ही ज़बरदस्त है और विंटर के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पता है कि समर पे कैसा आपके फेस पे सूट करता है या नहीं, और ये ऑल स्किन टाइप्स है, आप किसी भी स्किन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं मैंने इसको आपके सामने बिल्कुल क्लीन कर लिया अपने फेस से और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और ग्लोई लग रही थी। आप लोगों को वीडियो में लग रही है या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं इससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड थी, ये हाईली रिकमेंडेड है। तो जो भी लोगों के रिव्यूज़ थे मतलब वो फैक्ट थे, कोई भी जो है पेड प्रमोशंस नहीं था और मैं भी इससे बहुत ज़्यादा थी। मेरा भी ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने सोचा था कि जब मैं आप लोगों से मंगवाया तो आप लोगों के साथ इसका रिव्यू लाजमी शेयर करूं। तो आप लोगों को मेरा ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब में शेयर करें और इसको बिल्कुल वायरल करना है। ये सब करने के बाद मैं अपना लास्ट जो है रोज़ वाटर लाजमी अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ ताकि फेस कोई बिल्कुल भी डैमेज ना हो अगर मैंने कोई केमिकल भी यूज़ किया है। आप लोग भी रोज़ वाटर को यूज़ करना नहीं भूला करें। सो फाइनली आप लोग अगर मेरा ये फेस लुक अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने भी अब तक ये ट्राई नहीं किया है तो अभी ऑर्डर करें और अभी के अभी इसको लाजमी अप्लाई करें और बताएँ कि आप लोगों को ये लुक कैसा लग रहा है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।